आईपीएल के 10वां मैच कल खेला गया था हैदराबाद से लखनऊ के बीच में, जिसमें कि शुरुआत थोड़ी सी ठीक रही। मतलब हम कह सकते हैं कि 7वें ओवर तक जो हैदराबाद ने पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का निर्णय लिया, वो सिर्फ 7वें ओवर तक काम करा। 7वें ओवर तक उनका जो रन स्कोरिंग था वो ठीक था, क्योंकि पहला विकेट उनका मयंक का गिरा 8 रनों के ऊपर, उसके बाद में फिर अनमोल थे, अनमोल प्रीत सिंह 22 रन का। लेकिन 7वें ओवर के बाद में पिच थोड़ा स्लो हो गया था। हाँ, क्योंकि शायद जिस ग्राउंड पे वो खेला जा रहा था वहाँ एटमॉस्फेरिक या मॉइस्चर या फिर वातावरण ऐसा कह सकते हैं, हैदराबाद ने थोड़ी कुछ गलतियां भी करी है, जैसे कि टॉस जीतने के बाद, हाँ टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग करनी नहीं चाहिए थी, बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बॉलिंग पिच थी वो। और जैसा मैंने बताया कि पिच, भैया ने कहा कि पिच, तो पिच के कारण क्या हुआ कि लगभग 25 से 30 रन शॉर्ट भी रहे। हाँ। सबसे बड़ी एक कारण ये भी है, क्योंकि भैया उसमें क्या हुआ ना कि रन स्लो बने लेकिन विकेट फास्ट गिरना चालू हो गए। रन जबकि ज्यादा तेजी से बनने चाहिए तो विकेट धीरे गिरने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ उसके विपरीत। और भुवनेश्वर कुमार जो मेन बॉलर है उनके, उनको ओनली 2 ओवर दिए गए, 2 ओवर दिए, तो वहां पर उन्होंने 19 रन दिए, जबकि वो मेन बॉलर है, उनको लाना चाहिए था, वो विकेट निकाल के देते, स्विंग बॉलर है। वहीं शुरुआत में जब, और लगभग 17 रन एक्स्ट्रा रहा इनका, 17 रन तो काफी होते हैं, काफी रहा, पर फिर भी 17 रन के एक्स्ट्रा होने के बाद भी टीम सिर्फ 121 का स्कोर कर पाई, वो भी 8 विकेटों पे, जो कि बहुत कम है। जैसा भैया डिस्कस कर रहे थे, कम से कम 25 से 30 रन और होने चाहिए थे, क्योंकि एक सफल मुकाबले के लिए ठीक होता है कि एक सफल मुकाबले में कम से कम इतने रन तो होने चाहिए कि चेस करने में आसान रहे। क्योंकि जैसे ही राहुल त्रिपाठी का जैसा बैटिंग ऑर्डर रहता है उनका, तेज खेलते हो, उनने करीबन कल 40-41 बॉल खेली, रन 34 किए, वो भी एक रन नहीं बन पाने का टीम का। और 121, वैसे जब लखनऊ सुपर जॉइंट्स उस 121 के जो रन स्कोर का मुकाबले करने आया पीछे का, हाँ लेकिन शुरुआत नहीं, उनको भी थोड़ी कठिनाई जरूर हुई है। हाँ शुरुआत दिया उनने, पहला विकेट जल्दी गिर गया उनका, फिर उनका 45 पे गिरा, और थर्ड विकेट जो गिरने में टाइम लिया 100 के पास गया, तो वैसे भी वहाँ पे थोड़ा सा, जब मैं जैसे मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि उन्होंने भी आते बराबर 2 बाउंड्रीज तो लगाई वो, पर मायर्स 13 रन भी आउट हो गए। मतलब कह सकते कि पहली दूसरी गेंद का स्टार्टअप अच्छा लेना चाह, लेकिन स्टार्टअप अच्छा हुआ नहीं, बॉलरों पे हावी होना चाह रहे थे। केएल राहुल ने सोच के रखा है कि पहले ओवर से उनको हिट करना है, बॉलर को थोड़ा टेंशन देना है, तो अपनी लाइन लेंथ तो भूलेंगे, और जो होमवर्क राहुल केएल राहुल करके आए थे वो अपने उस पर निपुण रहे। नहीं पर मैंने देखा कि जैसे हुडा भी आए तो हुडा ने भी कोई विशेष काम किया नहीं, मतलब आते बराबर 1 सिक्स मारा, 1 रन लिया और 8 रन पर सीधे घर हो गए। मतलब कोई ज़्यादा उतना बड़ा हुआ नहीं काम। हालांकि लखनऊ जो था शुरू से बढ़त में लेके चल रहा था, जितना रन उनको लग रहा था उससे ज़्यादा गेंदें उनके पास थी, और हैदराबाद ने जब बॉलिंग भी करना है तो मैन प्लेयरों को हटा दिया, 2 पार्ट टाइम बॉलरों को ला लिया उनने, वो भी कोई इफेक्टिव नहीं रहे उतना, अच्छा था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा उनका। जैसे कुणाल 34 पे और राहुल 35 रन बना के आउट हुए थे, यही 2 जो बल्लेबाज है इन लोगों ने 2 अंक के संख्या तक पहुंचे रन पे, बाकी तो सभी बल्लेबाज फेल थे, 5 विकेट उनके भी हो चुके थे। थोड़ा संघर्ष करती 25 रन जो शॉट का मैंने बोला तो वहां पे मैच बन सकता था वैसे, लेकिन कुछ कुछ बीच में हमको देखने को मिला भी है लखनऊ की टीम की तरफ से, कि जैसे शेफर्ड आए इतना फास्ट शॉट मारना चाह रहे थे लेकिन 0 पे आउट हो गए, शेफर्ड जर्मन शेफर्ड की तरह घर भाग गए। पिच मेन था, पिच का मूवमेंट थोड़ा सा, लेकिन बस लखनऊ की तरफ से सबसे अच्छी चीज ये रही कि पूरन जो आए थे वो आज लखनवी चूरन खा के आए थे, और उन्होंने बढ़िया शानदार एक विनिंग सिक्स लगाया और लखनऊ को जीत दिला दी। लखनऊ की तरफ से बॉलिंग भी बहुत बढ़िया हुई, जैसे कुणाल पांड्या की बात कर सकते हो, 3 विकेट लिए उनने, 3 विकेट लिए पांड्या, और 8 रन दिए उनने, अमित ने भी लिया, और यश ने लिया, रवि बिश्नोई की बात कर लेती है तो उनने भी 1 विकेट लिया, यश की बात कर लेते उनने भी 1 विकेट लिया, अमित मिश्रा की बात कर लेते 2 विकेट लिए, उमर दराज व्यक्ति है, लास्ट आईपीएल हो सकता उनका इस बार, क्या बोलते हो इससे भैया? देखो आईपीएल ऐसी चीज है 40 कि कोई भरोसा नहीं है, 41 का एज हो रहा अमित मिश्रा का, कोई भरोसा नहीं है कि कोई कभी कितने कर सके, 41 का एज है उनका। मिलते हैं अभी आज के राजस्थान वर्सेस दिल्ली के मैच में।